कि जॉइंट डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स जो है उनको जिन जिन्होंने भेंट पूजा कर दी उनको लाभ दे दिया गया, और जिन्होंने भेंट पूजा नहीं की उनको लाभ नहीं दिया गया, वही लिखा है हमने ऑर्डर में। यू कैन नॉट मेक वाइल्ड एलिगेशंस, आई विल इम्पोज कॉस्ट ऑन योर पिटिशनर एंड ऑन यू। ये हाई कोर्ट है, मजाक नहीं, आपको नाम देना पड़ेंगे। ठीक है, हम हॉस्पिटल से बोल देते हैं, एम्बुलेंस से आएंगे वो, ही विल हैव टू कम। यू कैन नॉट मेक वाइल्ड एलिगेशंस अगेंस्ट द ऑफिसर्स। ये आपकी हैबिट हो गई है, किसी के खिलाफ भी चलते हुए एलिगेशन लगा दिया, आप सब्सटेंशिएट करिए ना। माय लॉर्ड 81517 इज द माय लॉर्ड क्लियर स्टेटमेंट। 815-17 में तो ये क्वेरी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? नहीं, उनका एलिगेशन था भाई, इसलिए इनको बुलाया कि जिन्होंने सेट कर लिया था, सेट करने का मतलब पेटिया साहब ने उस दिन बताया था, जिन्होंने रिश्वत दे दी थी उनको जो है काम हो गया, और जिन्होंने नहीं दी थी उनका नहीं हुआ, इसलिए बुलाया था आपको। लोकायुक्त को रिफर करें मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सर, आई हैव जॉइंड दिस ऑफिस लास्ट ईयर ओनली सर, एंड देन दिस पिटीशन वाज फाइल्ड, आई वाज नॉट इन दिस ऑफिस। अरे आपकी बात नहीं हो रही, आपका शुभ नाम क्या है? सर रोहित सिंह कौशल। सर आई वाज रोहित सिंह जी, आप सर पद की बात हो रही है, ऐसा नहीं कहा कौशल, इन्होंने पेटीएम साहब ने कि कौशल साहब ने कोई अनियमितता की है, और इसलिए आप उससे विचलित ना हो। इन्होंने आपके कार्यालय के बारे में लगाया है कि जॉइंट डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स जो है उनको जिन जिन्होंने भेंट पूजा कर दी उनको लाभ दे दिया गया, और जिन्होंने भेंट पूजा नहीं की उनको लाभ नहीं दिया गया, वही लिखा है हमने ऑर्डर में। आई हैव रिप्रोड्यूस इट वर्बेटम। कहाँ है आपके प्रेडिसेसर? तो इसमें ट्रांसफर कहाँ चले गए? जबलपुर में है सर। जबलपुर में ही है ना, तो उनको बुलवा लीजिए, उनका एलिगेशन उनके ऊपर है। नाम मालूम है आपको किस किस को सेट किया था? मेरे को नाम नहीं मालूम। तो मालूम तो कर लीजिए, ऐसे आप फिर ब्लाइंड एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? हमें आपके खिलाफ लिखाना पड़ेगा। पक्षकार से पूछिए, नाम पूछिए, नाम लेकर 2:15 बजे आइए कि किसने किसको सेट किया था। ठीक है, मैं एक प्रार्थना करता हूं। मेरे मिस्टर कौशल भी है कॉल इन पोजीशन दैट कि माय लॉर्ड इफ माय लॉर्ड हैज ग्रांटेड 7 डेज टाइम टू वी हैव रेक्टिफाइड द एंटायर डिस्प्यूट एंड अगर हो सकता है तो कुछ सुधार हो जाए इसके लिए। अच्छा ठीक है, श्री केएन पेटिया फॉर द पिटिशनर श्री रोहित सिंह कौशल। सर माय रिक्वेस्ट सर, इफ आई मे परमिटेड सर, आई हैवंट गॉन थ्रू द केस सर, इफ यू परमिट सर आई विल वंस अगेन सर रिव्यू इट एंड देन। हाई कोर्ट में क्यों आए आप बिगर पढ़े हुए? सर आई गॉट द ऑर्डर जस्ट इन 7 डेज सर। 15/3 का आदेश है, आज जो है 5 अप्रैल है, एलिगेशंस मेड बाय श्री पेटिया दैट हिज प्रेडेसेसर वाज अवेलेबल फॉर सेल and those who could set him were granted benefit and those who failed to part with the consideration have been denied the benefit. Let this allegation be answered on the affidavit of the predecessor. Shri Petia in the meanwhile will during the course of the day will supply the name of the persons whose cases were cleared. We don't know the name of the prisoner and petitioner in not in you cannot make wild allegations. I will impose cost on your petitioner and on you. Ye high court hai, mazak nahi, aapko naam dena padenge. And he is not in position. If he is not in position, then I am dismissing his petition. He cannot make the wild allegations. Kitne saal ho gaye aapko wakalat karte hue? आपने ये एलिगेशन लगाया, मैंने आपका एलिगेशन नोट किया है, आपको नाम बताने पड़ेंगे। Even in the indemnity bond, we are not going on to the merits. I am only asking that who are the employees whose cases were cleared. My client is not in position to give the name. He will have to ask him to come remain present. लिखिएगा. He is not in position to remain present. He is suffering from the kidney disorder. ठीक है, हम हॉस्पिटल से बोल देते हैं, एम्बुलेंस से आएंगे वो. He will have to come. You cannot make wild allegations against the officers. ये आपकी हैबिट हो गई है, किसी के खिलाफ भी चलते हुए एलिगेशन लगा दिया, आप सब्सटेंशिएट करिए ना। श्री पेटिया इज गिवन टाइम टू सब्सटेंशिएट हिज एलिगेशंस एंड गिव द नेम्स ऑफ द ऑफिसर्स हुज केसेस वर क्लियर्ड बाय द देन
joint director treasury and accounts for some consideration, and case of the petitioner was left in lurch because of his not parting with the demands of the said officer. Let names be filed by Monday. 10 days time is granted. आप उससे नाम पूछ के लिख के दे दीजिए. List the officer has been granted the super selection grade. We are not only a single order has been passed. Wait, against the petitioner. You will have to give the names. You cannot make wild allegations. The list is there, my lad. They have filed the list. The officers who had been given the. ठीक है, ठीक है. No recovery order has been issued, my lad. ठीक है, आप नाम लिख के दे दीजिए ना, दे दीजिएगा. अपने पक्षकार से बोलिएगा, एफिडेविट बनाए, नाम लिख के दे दे. शरीक रोहित सिंह कौशल इज ग्रांटेड 2 weeks time to scrutinize the case and sort it out in accordance with law. List this case on 24 April 2024. Obliged.